रहमतुल्ला सतरंगी के साथ हम सब आज फिर आपके घर में मौजूद हैं और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दूसरों के काम आ सकें और उनकी परेशानी में उनकी मदद कर सकें, आमीन। और जी अब बात करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की कि आज हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। ये एक बड़ा मुश्किल हमारे लिए सवाल होता है कि रोज़ हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर आएँ, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखाने से आप लोग भी हमसे बोर हो जाएंगे और हम खुद भी बोर हो जाएंगे वही काम करने से, और हमारे मेहमान भी बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे अभी पिछले हफ्ते तो किया था, आज फिर क्यों कर रहे हो। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़िंदगी में आस पास हमारे जो कुछ भी हो रहा होता है उससे रिलेट करके हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर लेकर आएँ और उसके ऊपर बातचीत की जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो जब हम वो प्रोग्राम करते हैं और उसमें बातचीत होती है, बहस होती है, आपस में डिस्कशन होता है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है, बहुत सारे लोगों को कुछ नॉलेज भी मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे आज हमारी लाइफ के अंदर जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है या जो लाइफ स्टाइल होता है उसकी हम बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सादा तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पर्स की मुझे ज़रूरत है तो मैं वो पर्स जाकर कोई सा भी नॉर्मल कीमत पर ख़रीद लूँगी, और सबसे पहले तो पर्स में हम लोग देखते हैं कि जी कितनी जेबें हैं, कितने पॉकेट्स हैं उसके अंदर, उसका जो वो हैंडबैग का जो वो बेल्ट है वो मज़बूत है कि नहीं है, उसका हैंडल अच्छा है कि नहीं है, फिर हम ये देखते हैं कि भाई कलर कैसा है, ज़्यादा मैला तो नहीं हो जाएगा, फिर हम ये देखते हैं कि जी चमड़े का है या रेगजीन का है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने से पिघल तो नहीं जाएगा। तो हम ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड देखते हैं कि जी ये कौन सा ब्रांड है, चाहे वो पर्स की बात हो, चाहे वो शूज़ की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो, यहाँ तक कि लॉन के अंदर भी अब ब्रांड देखे जाते हैं। जी ब्रांडेड लॉन है कि नहीं, ब्रांडेड से मुराद कि उसका कोई डिज़ाइनर है या नहीं, वो डिज़ाइनर लॉन है। अब तो ज्वेलरी में भी आ गया जी, डिज़ाइनर ज्वेलरी होनी चाहिए, शूज़ में भी आ गया जी, ब्रांडेड शूज़ होने चाहिए, ब्रांडेड पर्स होना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो कि बाहर जाते हैं और बहुत अच्छे सेल पे, या जब हो सकता है उनके पास इतना पैसा भी हो, वो ख़रीद के वो चीज़ें इतनी महंगी ले आते हैं, तो वो लोग तो चले समझ में आता है कि वो बाहर गए थे और लेकर आ गए। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हीं चीज़ों की कॉपी ख़रीद रहे होते हैं। तो क्या हमारी कौम या हम लोग इतने ज़्यादा क्लास कॉन्शियस होते जा रहे हैं, या फिर हमारे दिमागों में जो है ये ब्रांडेड चीज़ जो है वो भर चुकी है और हम अपने स्टाइल भी चेंज करते रहते हैं, हम किसी भी हॉलीवुड के या बॉलीवुड के या किसी भी एक्टर को ले लेते हैं, या फिर हम किसी क्रिकेटर को या कोई फुटबॉल प्लेयर को लेते हैं और कहते हैं जी हमने बस अब ऐसा हेयर स्टाइल रखना है क्योंकि ये हेयर स्टाइल हमें पसंद है, चूँकि वो उस फला एक्टर का है और उस फला क्रिकेटर का है। तो हम अपने अपनी पर्सनालिटी नहीं देखते, कभी कभी हम अपनी पर्सनालिटी पे दूसरों को हावी कर लेते हैं और उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने के शौकीन बन जाते हैं, या उन्हीं के जैसे बालों को कलर कर लेते हैं, या उन्हीं के जैसा हेयर स्टाइल अपनाते हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के जैसा हुलिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम आम और सादा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, या कि हमें अब बहुत आदत पड़ चुकी है ब्रांडेड चीज़ों की, वो चाहे हमें कॉपी ही क्यों ना मिले, हम वो ख़रीदने को तैयार हैं लेकिन हमारे हाथ में एक चीज होनी जरूरी है। तो इस चीज में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जो दो गेस्ट हमारे पास मौजूद है मैं उनको बुलाऊंगी आपकी बहुत सारी तालियों में, टीपू शरीफ, सना सरफराज। हमारे मेहमान अगर तैयार है तो हम उनको भी बुला लें पहले, तो जरा डिस्कशन में जरा मजा ज्यादा आएगा। कोई खड़ा हुआ है पीछे और लाइन में आपके? नहीं। कितने ब्रांड कॉन्शियस हैं आप लोग? पहले मॉडल से पूछ लो।
मॉडल तो बस गई। मेरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट्री स्टेटमेंट होगा क्योंकि आई मॉडल फॉर ब्रांड्स और ऑब्वियसली मेरा काम ही है, पर अगर मेरे पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो आई ऑलवेज गो फॉर वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं समझती हूँ कि पैसे देना वर्थ है और रिटर्न्स अगर उसके अच्छे मिलेंगे तो ही मैं देती हूँ, क्योंकि मैं आई एम वेरी बिजनेस माइंडेड। तो अगर तो मुझे लगता है कि उसके रिटर्न्स नहीं है तो फिर यू नो आई डोंट इन्वेस्ट जस्ट ऑन द ब्रांड नेम कि फॉर द सेक ऑफ इट कि ओ चूंकि ये ब्रांड है तो इतने पैसे देने हैं। सो दैट्स माई थिंग। हाँ जी, ब्रांड ऐसी चीज़ लेनी चाहिए ब्रांडेड जो आपको सालों सर्विस दे। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो चलते हुए फैशंस के साथ ब्रांड के हिसाब से चीज़ें खरीदता जाए, लेकिन अगर कोई अच्छा सूट है या अच्छा जीन्स का पेयर है या इस किस्म की चीज़ें, बेल्ट है जो ज़्यादा अर्सा चलेगी या घड़ी है, तो वो फिर ब्रांडेड ली जा सकती है। अदरवाइज ज़ैनम मार्केट भरा हुआ है इन चीज़ों से, और क्या कोई मसला थोड़ी है, घी जाके ले सकते। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, दो मेहमान और हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी बुला लेते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में शारिक और उस्मा ताहिर। क्या हाल है शारिक? मैं में चाय अपने खुद ही ले आया। आ जाओ बैठ जाओ। मैं अस्सलाम वालेकुम, कुछ ठीक हूं मुबारक। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बैठो उस्मा। डू यू नीड अ कुशन? शारिक, कौन से ब्रांड की चप्पली पहनी है तुमने? दिस इज लुई। एक मिनट, वेट, इट्स लुई पिटॉन। प्रिटेंड लुई पिटॉन। प्रिटेंड अभी सुनने मार्केट बोला था। नहीं बेटा, लुई पिटॉन नाजमाबाद नंबर 1। अच्छा जी, कितने ब्रांड कॉन्शियस हैं आप लोग? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि पैसे अगर हैं तो अच्छा पहनने का शौक है, लेकिन ये नहीं कि किसने लाख की चीज़ पहनी है तो मुझे भी लाख की चाहिए। ठीक है, जूता मेरा महंगा है, ये बहुत सस्ता है, ठीक है, लेकिन मैं पहन के आ गई। हाँ सही, तो ये अपने ऊपर है। अच्छा, क्या क्या जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, हमारे आसपास भी होते हैं, कुछ मीडिया में भी हैं, कुछ मीडिया से बाहर भी हैं। वैसे मीडिया से बाहर मैंने ज़्यादा देखा है लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना शो ऑफ हमारे यहाँ हो गया है फैशन, और ख़ासकर ये जो चीज़ें होती हैं, तक कि लॉन के कपड़े भी। तो इसको शो ऑफ भी तो हम लोग ही कर रहे हैं ना। सॉरी, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि हम मॉर्निंग शो में इतना ब्रांड 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 कर रहे होते हैं कि घर वाले। मैंने तो पहली दफ़ा किया। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात नहीं कर रही। एक सेकंड, मॉर्निंग शो का मतलब है कि मीडिया पे इल्जाम लग रहा है, माजरत के साथ। हाँ, हाँ, सारी बकरी जो है वो मीडिया नहीं करती, और अपने जानवरों के साथ लोग कैसे शो ऑफ करते हैं तो लोगों की बात। मी एंड माय गोट, सेल्फी। लेकिन ये भी बताना चाहिए, जैसे तुम बताती हो अक्सर कि हम संडे मार्केट से भी, हम आम मार्केट से भी, हम मलीर की मार्केट से भी सस्ता लाकर उतना ही अच्छा नजर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, जैसे मैं अपनी बेटी के स्कूल गई, बल्कि बेटी के स्कूल नहीं गई थी, उसके एडमिशन कराने के स्कूल में गई थी जहाँ उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक खातून, अच्छा सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है, आप लोगों को पता है कितना मुश्किल काम है हमारे यहाँ तो एडमिशन कराना स्कूल्स में। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं गई कि चलो जी फॉर्म ले लूँ ये वो, तो मैं जाकर वहाँ बैठी तो काफ़ी खवातीन वहाँ बैठी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, छोटी गाड़ी तो थी ही नहीं ना। अच्छा, तो मैं उस वक्त छोटी गाड़ी में गई थी, तो मैं वहाँ अंदर जाके बैठी तो मुझसे कहने लगी आपकी बेटी के लिए आई है? मैंने कहा जी। अच्छा अच्छा, सुबह जो भी मेरी मासी प्रेस कर देती है कपड़े वो मैं पहन के निकल जाती हूँ, रोज़ वो दो सूट कर लेती है इसलिए मैं पहनती चली जाती हूँ। तो कहने की ये आपने प्रिंट पहना? अल्लाह। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद ही नहीं आ रहा ना कि किसका प्रिंट है ये ना। मैंने कहा कि हाँ, तो एकदम कहती है कि ये तो पिछले साल का नहीं है? अल्लाह। अच्छा, उन्हें ये भी पता होता है? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पिछले साल का है? मैंने कहा पता नहीं, मैं पहनती बहुत कम हूँ और लॉन के कपड़े अब जब गर्मी आती जब पहनती हूँ तो जितनी गर्मियाँ होती हैं उतनी पहन ली है मैंने, मुझे तो नहीं पता। यानी कि अब ये भी हो गया है कि जी पिछले साल का जो प्रिंट है वो आपने अगर इस साल पहन लिया तो आपको बोल बोल के मार डालेंगे। हाँ। कि आपने पिछले साल का प्रिंट क्यों पहना हुआ है? लेकिन जवेरिया, ऐसा सिर्फ आम बाहर के लोगों में है। अगर हम आपस में बात करें, हम गैदरिंग में जाते हैं अपनी, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुमने ये पहना मैंने ये पहना। कौन सी गैदरिंग में जाती हो बहन? हर जगह होता है। तुम्हारी गैदरिंग बहुत अच्छी है यार। आगे गैदरिंग वाले एक दो हर गैदरिंग में 2-3 टेढ़े होते हैं जो कि ये कर रहे होते हैं, यही काम कर रहे होते हैं, ब्रांड्स के ऊपर कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप खुद खोखले होंगे तो फिर आपको ब्रांड्स की सिक्योरिटी चाहिए होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात। तो हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा रुझान नहीं हो गया? अच्छा,
फोन के ऊपर भी आ गया है जी, फोन जाए नया मॉडल ले ले बस जल्दी नहीं से। वो तो है, वो तो बनता है, फोन तो वो बनता है के हिसाब से लिया जाता है एप्लीकेशन। भाई मेरा तो फोन जब तक टूटता नहीं है, चोरी नहीं होता, गिर नहीं जाता, मैं फोन नहीं बदलती। तुम्हारा चोरी का कम हो गया वैसे, छिनने वाला सिस्टम तो अब कम हो गया, कम हो गया है पास नहीं। लेकिन उसके अलावा अब फोन के ब्रांड्स में ये हुआ है कि मैं एंड्रॉइड यूज करती हूँ, वोंट टेक द ब्रांड नेम। और एक और ब्रांड है जिसका इंटरफेस जो है वो बहुत हद से ज़्यादा लॉक्ड है, आई करके शुरू होता है, ठीक है। सो ऑल माय फ्रेंड्स देयर लाइक, यार तुम एंड्रॉइड यूज़ कर रही हो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। आई एम लाइक लिसन, मेरी कंफर्टेबिलिटी इसमें है। एंड देयर लाइक, यार अब तो हर आम बंदे के बाद ये फोन तो पास ये फोन है, तुम क्यों नहीं लेती है भाई? क्या अच्छा ये भी होता है, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। आपने फोन लिया, कुछ अरसे के बाद उसका नया मॉडल आया, फिर तो अब आपको वो चाहिए, बहुत जल्दी आता है। छोड़ो, तीन महीने बाद आ जाता है, 20-30-40 हज़ार वैसे टूट जाते हैं। एंड देन कम्स द लिमिटेड एडिशन वर्जन्स, ठीक है। फिर वो कहते हैं ओ यू हैव अ नॉर्मल फोन, आई हैव लिमिटेड वर्जन। अच्छा गोल्ड प्लेटेड डिजाइनर्स भी आ जाते हैं ना, डिजाइनर। अच्छा लेकिन देखिए जो ये बात कर रही है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, ये लोगों का प्रॉब्लम है समझ का। जो लोग आए के एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, बैंकर्स वगैरह होते हैं, तो वो उनके पास सारे इतराफ में मैक्स यूज हो रहे हैं, आईफोन हो रहे हैं, तो उनके लिए तो सही है। लेकिन जो एंड्रॉइड हम और आप जहाँ पे घूम रहे हैं सब एंड्रॉइड है, तो आप एक गाना तो शेयर नहीं कर सकते, माजूर हो गए ना, आप तो बेकार हो गए ना, जिस एनवायरनमेंट के उसमें काम करें यार। तो या अब ये भी हो गया है कि अब लोग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आजकल की दुनिया में यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू शुड नो कि यार मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, सो यू नो यू माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और मेहमान हम मजीद हमारे साथ होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। ऐसे लोग भी देखे मैंने कि जो के बहुत ज़्यादा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी एक अपने हिसाब में रहकर अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है जो कि उन पर सूट भी करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये चलता फिरता ब्रांड नहीं है। अगर हम वो चीज़ इस्तेमाल करें जो हम पे सूट करती है, बजाय इसके कि हम ब्रांड की ब्रांडेड कोई चीज़ ले लें और हम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे उस चीज़ के साथ, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने हद में रह के चीज़ें लें और आप अच्छे लगें। इंसान में दम हो तो एक काली टी शर्ट और सफ़ेद टी शर्ट भी काम वो भी प्यारी लगती है। हाँ भाई सही बात है। अच्छा जी दो मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको बुलाएंगे आपकी बहुत सारी तालियों में, निदा खान और नईमुल हक। और सारा कलर यहाँ बैठा हुआ है। हाँ भाई नहीं जी, कौन से ब्रांड की घड़ी पहनी है आपने? आई डोंट बिलीव इन ब्रांड्स। वही तो आया ही कहने वाला। ब्रांड्स आई डोंट बिलीव इन एक्सपेंसिव ब्रांड्स। उसके ब्रांड्स के पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को अच्छा मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, जिम करें। आप एक 200 रुपए की टी शर्ट भी ज़ैनम मार्केट से पहनेंगे, आपकी फिजिक अच्छी है, तो यू ऑलवेज लुक गुड। इट्स नॉट अबाउट ब्रांडिंग, आप खुद ब्रांड बने। घड़ी नहीं पहनी मैंने तो। ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। मैं तो बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं, जो भी मुझे समझ में आता है अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ। लाइक आप लोग पहले बात कर रहे थे कि पिछले साल के लॉन्स और वो, मुझे तो इन चीज़ों का भी कोई आइडिया नहीं है। मुझे जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आई पिक इट अप, आई गेट इट मेड एंड आई वेयर इट। इनफैक्ट मेरा तो ये हाल है कि वन ऑफ माई खाला शी मेक्स अ लॉट ऑफ क्लोथ्स,
तो उनसे मुझे फायदा होता है, वो डिजाइनर बनवाती हैं, खुद तंग आ जाती हैं, मुझे देती जाती हैं। तो मैं तो उनके कपड़े भी बहुत पहनती हूँ, तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इसी चीज पे। अल्लाह ऐसे खाला मामू सबको अता फरमाए। अच्छा, वो वाला जो पहले लगता था, अब तो वो वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया है, लेकिन वो कहीं और भी लग रहा है। लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो के बहुत ब्रांड 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 करते हैं, वहाँ से वो सेकंड हैंड ब्रांड खरीदते हुए मैंने भी विटनेस किया है और मैंने सारे ब्रांड को वहाँ देखा है। मोस्टली सारे डिजाइनर्स आपको वहाँ मिलेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 3-4 दफा जा चुका हूँ वहाँ, तो अगर आप जल्दी सुबह चले जाएं तो आपको सारे जल्दी ब्लैक ग्लासेस में डिजाइनर मिलेंगे, एंड दे डू नॉट वांट टू शो कि हम यहाँ आए हुए और यहाँ से कोई चीज बाय करें। मैंने तो एक दो को बुरके में देख लिया भाई। अच्छा वैसे हो रहा था, एक्चुअली मैं ये जो वॉच है ये मैं अमेरिका से लाई थी। और जब आप वहाँ जाते ना भाई, पठान से कहते भाई देता है कि नहीं देता है, दे देना 200 रुपए में, 2000 में दे, क्या है 200 रुपए में आते हैं 2000 में दे। हाँ भाई ये बात हो रही होती है, और वैसे वही चीज बता रहे थे, एक्चुअली मैं ये वहाँ से लाई थी। लेकिन जबेरी एक और बात है, लोगों से ज्यादा जो वो संडे बाजार वाले पठान थे वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए, वो बड़े बाची नेकी है नेकी तुम ऐसे लेके जाएगा। और वो फॉरन आपको ये कहते हैं ये चीज तो 20,000 रुपए की, आप हमसे 2 की नहीं लेंगे। वो इतने चालाक हो गए कि उन्होंने 200-200 रुपए वाली चीजें जो है अब जो है 2000-2500 की बांटनी शुरू कर दी है। खैर अच्छी चीज लेना है, अगर सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी दूसरे को ये एहसास दिलाना कि जी उसको कॉम्प्लेक्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स में डालना कि जी आप तो ये नहीं कर सकते और हम देखें ये कर रहे हैं और ली आपने संडे बाजार से, ये बात बड़ी गलत है। ये आपके खुद के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स हो कि यार मैं अगर ये नहीं पहनूंगा तो फिर लोग जो है वो मुझे इस तरह देखेंगे या इस तरह देखेंगे, लोग मेरी असलियत समझ जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, जितने भी ब्रांड आप पहनते हो पीछे टैग तो लेके नहीं घूम रहे होते ना, मैंने ये पहना मैंने ये पहना, आपकी पर्सनैलिटी भी वो चीज सूट करनी चाहिए। हाँ, आप पे अगर कोई चीज सूट करती है तो वो अगर 1000 का जोड़ा या 800 का जोड़ा है वो भी बहुत हसीन लगता है मानिस पे 20,000 के जोड़े के। हाँ, तो ये बात भी आ जाती है। अब बहुत ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर, अगर कपड़ों की बात की जाए तो बाजारों में हमारे 2000 का घर जो जोड़ा बनाते हैं, 2000 का दुपट्टा मिलता है, और अक्सर मैं भी वहाँ से खरीद के पहनती हूँ, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये खाड़ी का, हाँ, ये वहाँ का, ये वहाँ का है, बहुत सारे नाम लेते हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छा आपको वहाँ का लग रहा है लेकिन ये वहाँ का नहीं है। कहने अच्छा फर्क तो नहीं है, मैंने कहा फर्क है पैसों का। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-10 हज़ार का फर्क है भाई। जो मेरे अकाउंट में मौजूद है। अब बहुत कम लोग हैं जो असली में कपड़े को पकड़ के तो उसकी पहचान बता सकते हैं, ब्रांड का नाम देखेंगे, सिर्फ ब्रांड का नाम अब चल रहा है। तो गैदरिंग अलग है, वो गैदरिंग अलग है, अगर उस गैदरिंग में होंगे तो वही लोग होंगे जिन्हें सबने ब्रांड पहना होगा। अगर आप कोई भी ब्रांड है, खाड़ी है, क्या हम नाम ले सकते हैं? ले तो लिया है, अब तो ले चुके हैं। खाड़ी है, गुल अहमद है, अलकरम है, ठीक है, जो लोग पुराने थे उनको पता है कि उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। अब तो हम, मेरा ख्याल है यंगर जो जनरेशन है उनको नहीं पता, 8,000 अभी तो कल आई थी बाजी, वो भी सना भी, तो आप इतने में रहती हैं तो ये गलत। अच्छा अब जो है वो कॉपी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, कहीं किसी दुकान में छुप के बैठे होते हैं और कॉपियाँ दे रहे होते हैं वो, और मैं ये देख रही होती हूँ कि बहुत सारी, अच्छा बहुत सारे ब्रांड्स ने ये कर दिया है कि वो अपनी कॉपी जो है वो छुप के वो करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ने खुला छोड़ा हुआ है। हाँ। जो कि वो कॉपियां बनाते हैं वही मासी भी पहन के घर में घूम रही होती है और वही मैडम भी पहन के घूम रही होती है। कॉपी आपकी पाकी, ये जो समर स्प्रिंग लॉन एग्जीबिशंस होती हैं हमारे घर के आसपास ही, मारा मारी देखी है वहाँ पे? नहीं ये वाकई होता है कि लड़े होते हैं कि एक दूसरे से, बोतलें पानी ही मारते हुए देखा मैंने लोगों को, सफोकेशन हो जाती है वहाँ। अभी ईद पे जो जोड़ा बनाया था, अभी 10 दिन बाद ईद के बाद अभी गई हूँ, तो वो पूरी कॉपी आई हुई थी और मैं यूं थी कि मैंने इतना महंगा लिया और उस वैसे ही सेम टू सेम कपड़े का फर्क था और वो कॉपी में था, मैं यूं थी और वो 3-3 हज़ार में लोग ले रहे थे, मैंने कहा भाई यार मैंने इतना महंगा क्यों लिया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, इंटरनेशनल एक ब्रांड है ज़ारा, सेकंड कॉपीज वो पूरी दुनिया में ट्रिकल डाउन बनाता है। ज़ारा जो है वो एक ऐसा ब्रांड है, अगर कोई ह्यूगो बॉस है, कैल्विन क्लाइन है, तो उसकी जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 400 पाउंड्स, उसको वो 29 पाउंड में ले आता है। क्वालिटी वैसी दिखने में, बस वो 4-5 वॉशेज तक
यूज होगी। मेरा ये पॉइंट था कि देखिए जब ब्रांडेड आप लेंगे ना, वी शुड गो फॉर ट्रिकल डाउन, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नेम, वाकई जब आप असली वाली प्रोडक्ट लेंगे उसकी लाइफ, मतलब आप उसको, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी उतार भी तो जाते हैं ना हम लोग, असली जींस मुझे ये लगता है कि 12 साल 13 साल कुछ ब्रांडेड चीजों को मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। आई हैव अ पर्स, उसका क्लीन करने का अलग लिक्विड है, उसका स्पंज अलग है, मैं अपना इतना ख्याल नहीं रखती जितना मुझे अपने जूतों और पर्सेस का ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से यू नो एट वन पॉइंट आई थॉट कि आप सस्ती चीज लें, दो बार यूज करके फेंक दें, इंस्टेड ऑफ यू नो, अब मैंने जीन्स ली है वो 25,000 की जीन्स इतनी महंगी है कि मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती, मैं दो बार सोचती हूँ यार अब मैं बैठूंगी। लेकिन कपड़ों का ये है कि लेकिन ब्रांड कॉन्शियस हो ना फिर तुम। हाँ डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ दो जीन्स होती ना 25,000 की तो मैं समझती कि हाँ तुमने इसलिए ली है कि चलो लंबी चलेगी, लेकिन दो से ज्यादा होंगी ना। नहीं एक दो ही, एक आधी चीजें मेरे पास दो है, पिछले साल फिर दो थी, हर साल बस एक और दो होती। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई गो विद द क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ द क्वालिटी। मैं पहले इस तरह करती थी, फिर आई थॉट कि मेरे नर्व जो हैं वो उनको संभालने में, अपने आप को मैं कम संभालती हूँ, अपने फोन्स को ज़्यादा संभालना पड़ता है मुझे, सो देन पर्सनालिटी मेरे थोड़ी चेंजेस आने शुरू हुए। नाउ यू नो आई गो फॉर क्वान्टिटी, मैं यूज़ करके उसको फेंक देती हूँ, बनस्बत मैं अपने नर्व उस पर लगाऊँ, उसको संभालते फिरूँ। यू नो आपकी अपनी पोटेंशियल या आपके अपने नर्व्स एक ब्रांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ना कि फेसबुक पे फौरन जाते ही पिक्चर आ जाती है, वो दोबारा हम पहन ही नहीं सकते, जब पहन नहीं सकते तो 25,000 जोड़े पे क्यों लगा। एक बात सब लोगों ने नोट की होगी कि आजकल जो है जनरेशनली हम देखें तो गैजेट्स को हम ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम इस पे कर रहे हैं, अपने आप का इतना ख्याल नहीं रख रहे, मोबाइल हर वक्त, फेसबुक, और अब ये यूज टू हो गए। जैसे मैंने देखा लोग सुबह उठते हैं ना वो नमाज नहीं पढ़ रहे, ब्रश नहीं कर रहे, ये नहीं देख रहे कितने, सबसे पहले देखते हैं रात भर क्या हुआ, मैंने क्या मिस कर दिया, और ये चीज जो है ना ये हमारे ना जेनेटिक्स में आती जा रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम फोन उठाकर देखते हैं कि अभी क्या हुआ, अभी फेसबुक नहीं खुला, जल्दी से ऑन करें, नेट ऑन करें। वाकई तो किसी और चीज को फोकस करने के बजाय अब डीफोकस हो रहे हैं ये फेसबुक की तरफ, फेसबुक बहुत ज्यादा इस वक्त ऐसे इसी पे, इसमें वो भी चीज आ जाती है ना कि सोशल एक्सेप्टेंस भी ब्रांड्स के थ्रू होती है। हाँ। अब आपके, अब जैसे मैं कुछ चीजें हैं जो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं भाई तू स्नैपचैट क्यों नहीं यूज करता, तू ट्विटर क्यों नहीं यूज करता, भाई मैं कहां से यूज करूं ये 8 चीजें, जो पिछले 6 महीने का टाइम नहीं दे पा रहा, नई चीजें कहां से लाऊं लिखने के लिए, ट्विटर में भी वही, मतलब फोन के अंदर 20 चीजें जिनमें से आप 3 यूज कर रहे हैं, बाकी 17 तीन में भी आपने कोई चीजें डालनी है, बाकी में भी आप वही देखे कि हमने ये किया था। अच्छा फिर उस पे से होता है, मैंने आपको WhatsApp और Twitter, भाई आपके पास जो इंस्टेंट कॉन्टेक्ट का गेम है वो फोन है, तो अगर आपको इंस्टेंट मैसेज देना कॉल मी अप मैन, लेकिन नहीं यार मैंने आपको जो है वो वाइबर वहां पे कहा था, वो इंटरनेट नहीं आ रहा था, मिला नहीं। कॉर्पोरेट बिजनेस में अब क्या हो गया, जैसे आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो उनके जो बॉस है ना उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया। हाँ। अब जब 5 बजे के बाद आपका ऑफ हो जाता है तो वो ग्रुप जो है ना वो एक्टिव हो जाता है, और उस पे वो नेक्स्ट डे की असाइनमेंट्स आ रही होती है। हाँ। वो फिर सुबह बोलते हैं हमने रात को आपको 11 बजे मैसेज तो किया था, भाई बिस्तर नहीं करवा दिया, घर ही क्यों जाएं यार, वहीं सो जाते हैं। अच्छा मैं कहती हूँ मेरे पास मेरे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ही नहीं है, मेरे फोन में पुराना वाला फोन यूज कर रही हूँ। बिल्कुल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बड़े मजे की गुफ्तगू हो रही है, कहीं में जाएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। करते हैं हम ब्रांड्स की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं थोड़ा स्टाइल के ऊपर कि जी अपने अपने स्टाइल लोग चेंज करते हैं, कभी आपका स्टाइल वैसे काफ़ी अर्से से आपने चेंज नहीं किया, क्या बात है, मेरे ख्याल तुम 4 प्रोग्राम में इसी तरह आए हो मेरे आज इसी प्रोग्राम में इसको खत्म करके रेजर मंगाओ, रेजर मंगाओ भाई। हाँ जी टीबू स्टाइल, कितने स्टाइल चेंज कर चुके हो अब तक? दो हर 2-3 महीने बाद बदल जाता है, डिपेंड करता है क्या
क्या पहनने का मूड हो रहा है, किस तरह रहने का मूड हो रहा है। लंबे बाल किए कभी? जमाने भर में ज्यादातर लंबे ही रखता था, ये अभी पिछले दो साल पहले से मैंने छोटे किए, यहाँ यहाँ तक होते थे बाल, फिर यहाँ यहाँ तक होते थे बाल। खैर अब मैंने ये रखने शुरू कर दिए, इसमें मैनेजेबिलिटी ज्यादा होती है, आप ज्यादा वर्सेटाइल तरीके से इसको बना सकते हैं, मुख्तलिफ रोल्स कर सकते हैं। अच्छा तुम बताओ कि कितना स्टाइलिश होना चाहिए इंसान? आई थिंक स्टाइल इज ऑल अबाउट योर सेल्फ क्रिएशन, उसमें जो चीज़ें आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक स्टोर पे गया अभी रिसेंटली, वहाँ पर एक कंसल्टेंट था, फैशन कंसल्टेंट, तो मुझे दो चीज़ें पसंद आई, तो मुझे एक बाय करनी थी, तो मैंने दोनों ट्राई करके उसको दिखाई, तो उसने कहा कि एक में आप अच्छे लग रहे हैं और ये शर्ट सेकेंडरी है, और दूसरी में जो है ये शर्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप सेकेंडरी हैं। तो ये बात सिर्फ ये है कि जिसमें आप सेटिस्फाई हो, आप अच्छे लग रहे हो, आप वो ले, वो कपड़ा या वो चीज वो ज्यादा अलग से अच्छी नहीं लगनी चाहिए आपसे, क्योंकि इंसान की वैल्यू ज्यादा है। फैशन कंसल्टेंट भी एक आदमी होता है, यानी आप अगली बार, अगली बार जब आप ज़ैनब चक्कर लगाएं तो वहाँ पे फैशन कंसल्टेंट को, हाँ भाई लाला ये टी शर्ट कैसा है, आई थिंक स्टाइल से ज्यादा आप किस में कम्फर्टेबल है उसकी ज्यादा बात होती है, क्योंकि बहुत दफा मैं जूतों का सबसे ज्यादा इजी एग्जांपल दे सकती हूँ, देयर शूज जो इतने खूबसूरत लगते हैं और आप उनमें 5-10 मिनट ज्यादा नहीं गुजार सकते, क्योंकि वो हर जगह से आपको काट लेंगे। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट बॉयल्स डाउन टू कि आप कम्फर्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं या लुकिंग गुड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई फॉर वन आई ऑलवेज फील लाइक मैं जिसमें ज्यादा कम्फर्टेबल हूँ मैं उसमें ही रहूँ, तो आई हैव हर्ड कि तुम, मैं बहुत ज़्यादा भंगी लगती हूँ लेकिन आई एम वेरी कम्फर्टेबल लाइक दैट। सो अच्छा मेरा ये कि मैं बालों को बहुत चेंज करती हूँ, कभी छोटे कभी बड़े, जैसे आपकी तरह दो शो में यहाँ तक बाल, फिर ये फिर एक्सटेंशन लगाते हैं तो ठीक है ना, जो भी है एक्सटेंशन लगाए, एक्सटेंशन के नाम क्या है, ब्रांड ब्रांडेड नहीं है। मेरा ये है कि मैं शलवार कमीज भी कैरी करती हूँ, मैं जीन्स भी कैरी करती हूँ, मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ ताकि हम डिफरेंट नजर आए। जूता मैं कम्फर्ट ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि चलने का काम होता है, कपड़ा हल्का भी चल जाता है क्योंकि वो आपको इतना तंग नहीं करता। इसमें आप ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगी? मैं इसमें बहुत देर चल सकती हूँ, वो कम्फर्टेबल है बहुत। मैं क्रिकेट की बॉलिंग वॉलिंग छोड़ देना, इनको देखिए अपने वजन से ज़्यादा भारी जूते पहने हुए इन्होंने, लेकिन स्टाइल है भाई, फोर व्हील ड्राइव जूते हैं इनके ना। हाँ ये फोर व्हील ड्राइव है यार, ये बड़ा काम का जूता है, मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, इससे आप स्केटिंग भी कर सकते हैं। ये जो ना वो उसका बना हुआ लग रहा है, टायर का, मतलब टायर का होता है, होता ही टायर का, फोर व्हील ड्राइव का होता है, इसके कहीं भी आप चढ़ जाएं इसको पहन के चले जाएं कुछ नहीं होता इसको, जूते पता नहीं कितने लोगों को कूट चुका है। अपना स्टाइल चेंज करते यार, मैं एक इंतहाई इजी टाइप का आदमी हूँ, तो मैं, मेरा बस ना चले मैं पूरी जिंदगी एक शॉर्ट और टी शर्ट में गुजार दूँ। अच्छा जब तक कोई शूट वूट नहीं आती है, अच्छा कोई शूट नहीं आएगी मैं शेव भी नहीं करता। अच्छा मैं बहुत है, तो मुझे इतना भी बेजार नहीं होना चाहिए, मुझसे नहीं होते ये सारे काम, नहीं होते अगर मेरा नहाते हो अल्हम्दुलिल्लाह। अजियत ये इल्जाम है मुझे, अजियत नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, सुकून सुकून होना चाहिए जिंदगी में, ठंड होनी चाहिए, जिंदगी को इतना टफ नहीं करना चाहिए, ये भी पहनना है ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है आप घर हो तो बहुत नॉर्मल रहो, आप कहीं जा रहे हो जिस गैदरिंग में जा रहे हो, जिस हम शो में आते हैं तो हमें शो की तरह ही आना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ज्यादा लड़के कॉन्शियस होते हैं या लड़के? दोनों दोनों, अब ट्रेंड बदल रहा है, अब दोनों लड़के तो सैलून भी जा रहे हैं, मसाज भी करा रहे हैं, लड़कियां तो फिर भी मेकअप छुपा लेती हैं। अच्छा जब भी लड़कियों को किसी नए इवेंट पे जाना होता है तो वो नया कपड़ा ही क्यों खरीद के पहनते हैं? अलमारी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लड़के 10 दफा भी पहन ले वो वैसे के वैसे ही लगते हैं, कूल लगते हैं ना लड़के। मैं तो रोजाना शर्ट नहीं पहन के आता हूं। चले अब ये तो हो गया दावतों वगैरह पे जाना, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक जिम में जाता हूँ जो एक बहुत ही मैन्स मैन जिम है, मतलब सिर्फ वहाँ लड़के आते हैं, टूटा फूटा सामान होता है और वहाँ पे पसीने वाले लड़के लगे हुए होते हैं एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा बोर हो गया वहाँ से, मैंने कहा चलो किसी पॉश जिम पे वापस जाते हैं, थोड़ा सा की अब वहाँ चला गया, अब एक बड़ा ही अच्छा जिम है वहाँ जाओ, तो वहाँ जिम जाने से पहले आधे घंटे के लिए आपको चेक करना होता है मेरा मुँह धुला हुआ है, मतलब के स्प्रेज रखे हुए हैं मैंने साथ, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे तो ऐसा लगता है आप किसी दावत में उतरे हैं, भाई हम यहाँ एक्सरसाइज करने आए हैं, आप अपना मूड क्यों चेक कर रहे हैं वहाँ पे और ये क्यों कर रहे हैं, दिल लगा अपना काम एक्सरसाइज करें, तो ये भी अब एक बात बताऊं, सफाई से भी आपको अच्छी वाली जूते भी अच्छे होने चाहिए, अगर आप साफ सुथरे रहते हो तो आपको वैसे अपना आप हल्का लगता है। हाँ। देखिए आप जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएं, जूते बहुत प्रॉपर पहन के जाएं, लेकिन आपके नेल साफ सुथरे हैं, मर्दों के या औरतों के हाथ पाथ साफ सुथरे हैं तो आपको वैसे ही लगता है कि मैं फिट हूँ, तो ये अपने लिए जरूरी है। हाँ।
लेकिन यार वो पेनफुल हो जाता है, वो सही कह रहे हैं, कुछ जगह ऐसी होती है भाई। मेरा हमेशा बीवी से जो झगड़ा रहता है वो शादी शादी का बता दे। वो आपने तो कहा था कि शादी नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, मैंने ये कहा था पहली हो चुकी है। अच्छा ऊपर बता रहे थे कहते हैं कोई लड़की ढूंढो मेरे। हाँ दूसरी के लिए कह रहा था, दूसरी तीसरी और चौथी के लिए। पहली वाली को 15 साल हो गए तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं नहीं छुपाता उसको। अच्छा आप कुछ बता रहे थे। हम मैं ये कह रहा था कि वो शादियों पे जाने का जो टेंशन होता है ना, तो उसमें होता है कि आपको स्पेशली ससुराल की शादियां हैं तो उधर तो आपको प्रॉपरली जाना पड़ेगा। तो मेरा कोई कोई ना कोई इत्तेफाक से काम निकल आता है ना, झूठा वाला काम यार, इल्जाम लगा रहे हैं, गलत बात कर रही है, झूठे काम होते हैं सारे। अब किसी का काम भी आएगा, देखा जा रहा है भाई, देखा जा रहा है, घर जाके पता चलेगा। हाँ ठीक है, कोई नहीं है सवाल। अब ये भी एक और चीज भी हो गई है कि अब हम खानों के अंदर भी बड़े कॉन्शियस हो गए। जारी बात है, जब टीवी पे गधे वधे पट्टे वाले नजर आए, गधे पकड़े कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही मैं। हेल्दी को खाना, अगर कहीं खाना है जाना है तो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम लेते हैं। देखिए पहले एक जमाना था जब खाने के लिए लोग जाते थे, अब एनवायरमेंट के लिए जा रहे हैं कि अच्छा एनवायरमेंट हो, खाना सेकेंडरी पे आ जाए, चाहे बाहर बैठ के आधा घंटा एक घंटा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े आपको। मैंने ये भी देखा है कुछ ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट है जिसमें आप बुकिंग भी कराएं तब भी आपको आधा घंटे वेटिंग पे लेना, वेटिंग पे आपको होता है। और फिर जाते ही जल्दी सबसे पहले फेसबुक के ऊपर लगाते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, साइन इन चेक इन करते हैं, चेक इन। ठीक है ना, वैसे लोग किसी से मिल ही नहीं सकते। आप सोचे अगर फेसबुक ना होता, कसम खा के कह सकते हो कोई साल साल के 10-10 साल भी किसी को ना मिलता। तो ये तो कोई ये भी हो सकता है वहाँ नहीं जाते हो, बाहर से गुजर रहे हैं और करीब जाके दरवाजे पे खड़े होके। लेकिन देखिए पता है ये लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे दुबई का मौसम है या कनाडा का है, दो एक्सट्रीम मौसम है, उन बिचारों के लिए आउटडोर लाइफ एक तकलीफ है। अगर आप रात में बाहर निकल के दुबई में चले गए तो खौफनाक गर्मी। तो कराची तो बल्कि पाकिस्तान का जो माशाल्लाह वेदर है वो तो ऐसा आइडियल वेदर है कि लोग मरते हैं इसके लिए। अगर आप रात में कराची में बाहर निकल रहे हैं, लाहौर में निकल रहे हैं और आप आउटडोर नहीं खा रहे, आप एयर कंडीशनिंग में बैठ गए तो आपको क्या मजा आया है यार। लेकिन आई थिंक एक और मसला ये भी है कि हमारे यहाँ खाने पीने के अलावा एक्टिविटी कोई नहीं है, इसलिए भी लोग अब जरा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खाने जाने को मना नहीं कर रही, नहीं नहीं, लेकिन कुछ 5-6 जगह ऐसी हैं कि जिनको बहुत फैशन में है, वो इन है आजकल के जी हम यहाँ फैशन, इसलिए कि आजकल फैशन उनके पास बहुत ज्यादा होगा, जिनके पास ये नहीं होगा वो कहाँ जा रहे हैं। आते हैं मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और बड़े बड़े मॉल्स में जाके तस्वीरें खिंचाते हैं कि हम इस मॉल तक पहुंचे थे। ये भी तो एक है ना, उनकी वो मतलब एक शान है उस मॉल की। मैं आपको एक बात बताऊं, उनके उनको ज्यादा खुशी मिलती है चीजों से, खुशी मगर वो क्या हुआ, लेकिन हुआ तो ब्रांड, ब्रांड हमने ब्रांड दिखा दी, हम पहुंच गए थे। ब्रांड कॉन्शियस हर कोई हर कोई होता है अपने तई जितना जितना लिमिट तक अपने बजट तक। हाँ जैसे मैं पैसे जब खर्च करती हूँ ब्रांड्स पे, स्पेशली आई थिंक मेकअप इज माय गिल्टी प्लेजर। मेकअप पे मैं कर लूंगी, मतलब मैंने आई शेडो की किट मैं महंगी खरीद लूंगी, मुझे पिगमेंट्स और इन चीजों का मुझे शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आई शेड जो ना वो मैं टॉप ऑफ द लाइन लूँ। कॉल मी ब्रांड कॉन्शियस, कॉल मी क्वालिटी फॉर मनी, बट स्किन है आपकी, स्किन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना, तो होते ही ऐसी चीजें। और जहाँ तक स्टाइल की बात है, आई थिंक जब आप टीवी पे इतना आते हो तो क्या आप जनरली भी जब आप घर जाते हो तो उसके बाद आपका दिल नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा तैयार हो के, जैसे इन्होंने कहा कि एवरीडे लाइफ में आप वैसे रहो। मैंने आम नॉर्मल लड़कों को भी देखा है जो टीवी पे नहीं भी आते, तो वो बच्चे या वो बच्चियां जो हैं वो बड़े स्टाइल में रहते हैं भाई, उन्होंने जेल लगा, हम सब किसी को तो इन्फ्लुएंस करेंगे यार, अच्छे मार्केट चल जाए, छोटी छोटी बच्चियों के आईलाइनर प्रॉपर यहाँ तक लगा होता है, प्रॉपर बाल खुले होते हैं, और मैं शरवार अलग कमीज अलग वो स्कार्फ डारा, तो मैं यूँ देख रही होती हूँ, मैं मुझे होता है कि ये सारा फैशन मार्केट में भी आपको नजर आ रहा होता है। हाँ लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप शोबिज से हैं और आपकी एक लोगों के जहन में आपका एक इमेज बना हुआ है, एक पर्सनालिटी बनी हुई है कि और आप एक्टर हैं, तो आपको फिर जब बाहर निकलना चाहिए तो फिर आपको उसी हिसाब से तैयार होकर निकलना चाहिए कि आप एक एक्टर है तो नहीं नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे पुराने जो अभी तक आर्टिस्ट हैं मौजूद, कुछ इंतकाल भी कर गए, मोहम्मद अली साहब थे, वो कभी भी ज़िंदगी में इस तरह घर के कपड़ों में उठ के किसी के सामने नहीं आते थे। वो बिठाते थे अपने ड्राइंग रूम में, वो बाकायदा तैयार होते थे और फिर नीचे आते थे। उनकी जो बेगम है ज़ेबा, वो भी अभी तक उसी तरह शानो शौकत से रहती हैं, उनको कभी किसी ने बगैर मेकअप के या आम कपड़ों में आज तक नहीं देखा। मिसाल के तौर पर अगर आप बगैर मेकअप के मार्केट जाते हो, माशाल्लाह
आपको जरूरत नहीं, बगैर मेकअप की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ हुलिया की बात नहीं कर रही, कोई भी शरारत वगैरह की कमी नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूं। जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, तो उनको वो जब भी पब्लिक में आएंगे तो उनको अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आपका दिल चाह रहा है या नहीं, मगर आपको करना पड़ेगा ना। बेसिकली आप भी एक ब्रांड होते हैं, तो आई थिंक कंफर्टेबल होना, और मतलब मेरा भी दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता बस मैं जैसे ही घर में कपड़ों में बैठी हूं उसी तरह हूं। मैं तो कर चुकी हूं, मैं तेल में भी जा चुकी हूं बाहर, तो आई एम द वर्स्ट पर्सन टू काशी भाई गाने सुनने के लिए तड़पनिया खा रहे लोग, आ जाइए बहुत बोल लिया हमने, अब आपको सुना दीजिए काशी भाई की अपनी भाई वो शॉप है कपड़ों की। अच्छा, इसीलिए रोज नित जब भी रोज आना नया पहन के आते हैं और फिर ये ले आके वापस लटका देते हैं बेचने के लिए। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, बस तुझको शाम कहूंगा। ये शाम अपनी भी दूरी तुझको राज नहीं।
सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। देख रहे हैं कि उधर सामने आपको नजर आएगा तीन लड़कियां हमारी लगी पड़ी हैं अपने आप को सही करने में। अच्छा, इनको हमने ऑडियंस में से उठाया है और हमने इनसे कहा है कि ये लोग अपना स्टाइल जो है ना जरा चेंज करें। तो उज्मा, तुम कर सकती हो किसी का स्टाइल चेंज इनमें? हाँ, कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। इनको चेंज करना है, अपने जैसे नहीं कर देना है। नहीं, अपने जैसा भी हो सकता है, हम भी जब आए थे तो शायद ऐसे ही थे। तो आपको देख के और सब चीजों से आइडिया होता है कि आपने बेहतर कैसे होना है। हाँ, शुरू में तो इनको इनका जरा होलिया चेंज करते हैं। और आप में से कौन करेगा? सना कर सकती हो? अच्छा, चलो मैं भी आ जाती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं चाहूंगी कि जब तक हम ये काम करें, जब तक टीपू से भी कुछ काम कराया जाए। मैं क्या करूं? गाना गाओगे और क्या करोगे? टीपू के लिए बहुत सारी तालियां। टीपू, अच्छा सा गाना जबरदस्त, अपनी मर्जी से सुना दो। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी हम जब तक इनके सूट को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। La 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 zara chehra to dikhao aur thoda sa तैयार कर रहे हैं
किसने गाया पहले ये गाना बताएं किस किसने मिलके गाया ये गाना सब ने हम सब ने बॉयज हम सब ने तुम अपने आप को बॉय क्यों कह रहे हो 15 साल हो गए क्या मतलब तुम भी तो घर चल रहे हो अच्छा औरत की शादी हो जाए लड़की की शादी हो जाए तो वो औरत हो जाती है और लड़के की शादी हो जाए तो वो बॉय रहता 15 साल बाद देखिए एक 60 साल की अगर एक आदमी की शादी हो रही है तो कहता है अरे लड़का कहां है लड़का तो लड़का ही रहता है नहीं नहीं भाई ये तो बेईमानी है ये बेईमानी मेरे मन ने ये बता दे इस ओर चला है क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है जो है अंत नहीं जो है अच्छा जी तकरीबन हमारी ये लड़कियां जो है वो तैयार होने वाली है हम चाहेंगे छोटी सी ब्रेक ले लें तो ब्रेक से वापस आएंगे जब तक हम इनको तैयार कर चुके होंगे देखते रहिएगा सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी
थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने में कामयाब हो गए हैं, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो जरा तालियां बजा के बताइए। अभी हमने थोड़ा बहुत कर ही दिया है तकरीबन। आप लोग तो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये निदा क्या कर रही है ये बता दें जरा पीछे। हाँ, पूरे आधी शक्ल मैंने हेड किया, सारा बेस वेस लगाया। अच्छा, अभी क्या कर रही है? आई शेड लगा रही हूं, इनके बाल बना रही हूं। एक्सक्यूज मी, नहीं निदा की बहुत अच्छी बात ये है कि खाना किसी और ने पकाया, आखिर में चमचा घुमा दिया इसने। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा काम होता है जो कोई और करे और आप चमचा घुमाए। माइंड परफॉर्म कर रही है। सना को तो देख लो, वो क्या जाके ये तो सोलो तो अभी सना ये देखो आप ही खा रही है। ये देखिए एक अच्छी समोसे तोड़ रही है, क्या समोसा खा रही हो और सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। मजे की बात ये पता है अच्छा वैसे सब चुप हो गए। हमारा शो था स्टाइल के ऊपर कि ये सारे ब्रांड कॉन्शियस, तो जब हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे नहीं तो नहीं नहीं स्टाइल के अंदर सब कुछ आ जाते हैं भाई, कपड़े वपड़े भाई आप ब्रांड कॉन्शियस तो आता है ना स्टाइल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट मेरा ये था कि जब लोग हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी फिगर जो वेल ड्रेस थी वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। कितने वेल ड्रेस्ड आदमी थे उनकी, अगर वो हमने तो बेसिक उनकी शेरवानी और वो कराकुल कैप्स के साथ देखे। अरे भाई आप उनको सूट में देखें, अमेजिंग, व्हाट अ पर्सनालिटी, वो उसमें खूबसूरत लगते थे। शेरवानी में किस जमाने की बात कर रहे हैं हम, शेरवानी में हसीन लगते थे हर तरह की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सदर में इस वक्त कोई 25 दुकान है जो कहते हैं कि हम कायद आजम के दर्जी थे। अगर आप अगर कभी जाके देखें उस तरफ तो क्या चीज़, कायदे आजम के पाकिस्तान चौक के पास जाके देखें तो वहाँ कोई 20-25 दुकान है जो कहते हैं हम कायद आजम के टेलर्स हम हैं। अच्छा, एक दो तो वो भी है, वो भी एक ब्रांड, वो भी एक ब्रांड हो गया। उनकी उम्र क्या है? उम्र जवान जवान और मुंह में गुटखा भरा हुआ था, ट्रीटेड ये वाले थे। अब हो ही नहीं सकता यार, अब आप इमेजिन करो उस जमाने में गुटखा ही नहीं होता था, है ना। पॉइंट टू बी नोटिस, अभी कुछ अर्सा पहले फैशन वीक्स में जिना कैप का ट्रेंड आया था और आपके जो फैशन डिजाइनर्स थे उन्होंने जिना कैप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके फैशन शोज पे उस तरह से इंट्रोड्यूस किया। थोड़े दिन पहले मैंने एक फैशन शो की तस्वीरें देखी जिसमें एक मर्द को साड़ी पहनाई हुई सीरियस, और मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या है और कैसे है और क्यों है। तो तीसरे वाले होंगे, तीसरे वाले पता नहीं, पांचवे लग रहे थे मुझे, पांचवे तो नहीं लग रहे थे मुझे। एक और भी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही थी जहाँ शेरवानी कॉलर वाला कमीज इतनी सी पहनी हुई थी और नीचे पटियाला शलवार थी एक आदमी की और ऊपर उन्होंने एक टर्बन भी पहनी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था समझ नहीं आ रहा है दूल्हा है या दुल्हन है। और एक और में ये भी लिखा हुआ था कि जब आपके पास निकाह, बिजनेस मीटिंग और एक जो है ना वो दैट वाज मी, आई एम सो सॉरी बट दैट वाज हिम, आई कॉट हिम आउट। देखें आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ऐसा तो मुंह में कर रही यही थे और यही थे। ओ हो हो हो, अब तो कट भी नहीं सकता यार, हम जा रहे हैं, अब आपसे लेके आ जाएगा। कमाल हो गया, वो एक ऐसा इमेज था जो विद इन 4 सेकंड्स में मिलियंस में लोगों के पास चला गया था। क्या वेरिएशन थी, 3 वेरिएशन थे। इस्माइल फरीद और बड़े अच्छे डिजाइनर है वो। हाँ। इस दफा उनको लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी मिला है। अच्छा ठीक है, सारे नाम दे दो, खैर फिर बताओ, कट जाएगा मेंस, बेस्ट मेंस वेयर का कट जाएगा, बस फिर ठीक है अच्छा तो सही मिला है। जो लोअर था वो थोड़ा सा ऐसे जैसे पटियाला सलवार होती है। नहीं मैं पटियाला सलवार की बात नहीं कर रही, आप शरारा था, शरारा वाला भी। हाँ, शरारा थोड़ा वाला सा, थोड़ा मैं शरारा वाले की बात कर रही हूँ। अच्छा, इस लक्स अवार्ड में एक नाम नहीं लूंगी, एक डिजाइनर, नाम लेने के बाद कह रही है नाम नहीं लूंगी उनका नाम नहीं लूंगी। बहुत मोटी सी कोट टाइप का चादर ऊपर डाल दी थी तो मैंने लिखा कि लक्स अवार्ड में इस दफा ठंड पड़ी है, नाम नहीं लेंगे। वो साहब जो है वो लक्स अवार्ड में सब नाम ले दो, वो डिजाइनर जो है वो इत्तेफाकन मेरे साथ में बैठे हुए थे, ठीक है, और उन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था और ये सर्दियों का ओवरकोट पहना हुआ था। तो उनके साथ एक बहुत ही मशहूर जो है वो डिजाइनर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि शायद धूप निकली हुई है, मैंने कहा शायद बर्फ भी पड़ रही है। अच्छी बात है। अच्छा भाई, ये तीनों लड़कियों की हेयर स्टाइल बल्कि पूरा ही स्टाइल ही चेंज होकर आ जाओ ना, लंदन क्यों रही हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, कैसी लग रही है अब आपको, चेंज लग रही है या नहीं ये बताएं। बहुत प्यारी, दिखाएं चेंजेड है, चेंजेड है, इधर भी आ जाएं थोड़ा सा, इनको भी दिखाएं, इनको भी दिखाएं, इनको भी दिखाएं, बाल भी दिखाएं इनके। वाह वाह वाह, हम तो भागती लग रही भाई, बाल दिखाओ, पीछे से दिखाओ बाल, ये देखें, दिखाइए ना जरा, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम भी कर
कर सकते हैं, दिखा दो जरा। अच्छा इनके बाल लंबे थे तो प्रॉपर पीछे से आयरन नहीं किया, लेकिन आगे से अगर ये प्रॉपर ऐसे बाल लगेंगे पीछे से भी तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर पीछे को प्रॉपर स्ट्रेट कर ले तो इनके लुक बहुत अच्छे आएंगे। हमने चेंज तो किया थोड़ा बहुत, जो भी किया नहीं नहीं बहुत अच्छा। और अब अभी आप लोगों को भी चेंज करेंगे। अभी आप कह रही थी कि लोग जो आम लोग फॉलो कर रहे होते हैं तो हम ही तो करवाते हैं लोगों को कि देखो तुम लोग नॉर्मल आए थे और हम तैयार कर लेते हैं तो लोग तो फॉलो करेंगे। नॉर्मल नहीं थे, इन लोगों ने मेकअप किए हुए थे। अच्छा आपने डबल डबल लेयर नहीं इंसान आजकल आजकल तो बकरे भी ब्रांडेड होते हैं, गाय भी ब्रांडेड होती है। अच्छा अंडे अंडे तो आने शुरू हो गए मार्केट में, जाए उनके नाम होते हैं शेरू जो है वो 5 लाख का जाएगा, फला जो है वो इतने लाख का जाएगा। रुस्तम जमीन पे आ गया है। लेकिन एक एक आप चीज देखिए कितनी अच्छी हुई है, पहले वो जो इंडियन ड्रामों के लीड एक्टर्स के ऊपर नाम होता था ना द बुल आई एम टॉकिंग अबाउट, बैलों का अल्लाह माफ करे बहुत बुरा होता था यार, कुमकुम होता था एक गाय का। पहले आराम से जाते थे हम जाके जी बकरा अच्छा दिखा दे, अब बकरों के नाम होते हैं और जिसके नाम है वो चारपाई पे बैठा हुआ होता है और वो फौरन उसका ब्रांड एलिवेट हो जाता है। हाँ वाकई में ऐसा है, वो नहीं ना भाई वो वाला सीन होता है आप बैगन 5 लाख जी हर चीज में हम लोग ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं वैसे वाकई। अच्छा जी इनके तो हमने स्टाइल चेंज कर दिए, अब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जरा इनके भी तो स्टाइल चेंज करके देखेंगे, इन पे कैसे बाल अगर हम करें गोल्डन बाल लगा दिए जाए तो कैसे लगेंगे या कुछ और कर दिया जाए। लोग तैयार है, सबको तैयार करेंगे हम, लेकिन यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि अगर इन लोगों के हेयर स्टाइल या इनके इनका स्टाइल चेंज किया जाए तो लोग कैसे लगेंगे। ठीक है जी तो दिखाइए जी जरा, सबसे पहले किसको दिखाएंगे आप? मुझे ही दिखाएंगे और किसे दिखाएंगे सबसे पहले? और किसे? नहीं नहीं और भी बहुत सारे, नहीं करो प्लीज। अच्छा ये तो ये ओरिजिनल तस्वीर है उस्मा ताहिर की, उस्मा की। अब उस्मा को अगर हम चेंज करेंगे, नहीं यार कोई स्टाइल चेंज करते ना उस्मा का तुम मुझे बता। मेरे गोल्डन बाल कर दिए, अगले दिन जर्मनी जाना है और ब्लोन उन्होंने तो जन्म लड़की थी तो मैं गई ब्लीच लगा के, कोई कलर नहीं लगाया, गोल्डन बाल में पूरा प्लेट जर्मनी करके आ गई। अच्छा जी नेक्स्ट सारे कैसे लगेंगे गोल्डन में दिखाएं। नेक्स्ट दिखाएं और अगर अच्छा लगे तो ताली बजा दें या म्यूजिक बजा दें। अभी ओ नहीं, अब देखिएगा ओ अब आएगी, अब आएगी, अभी आएगी आएगी सब लग रहे हैं वॉल्यूम कहाँ से लाऊंगा इतना बाल कहाँ से आएंगे? जस्टिन बीबर का बाल कहाँ से आएंगे इतने तो जिंदगी में बचपन में भी नहीं थे। उसके बगैर वो नहीं बैठ सकते उनकी कर्ली है और मजे कर्ली भी होती है स्ट्रेट नहीं होती और वो ऐसे होते हैं बगैर मोटे वाले कर्ल यानी रोलर वाले रोलर वाले इसी फूल के अंदर ब्लॉन्ड बाल लगा दो। नहीं 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 भाई ये सस्ती प्रोडक्शन है, विग एक ही थी जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं। नईम आप एक जरा राउंड लगा कर आए और जिनको हमने तैयार किया उनके अलावा
आपको बताएंगे कौन सी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जिसका स्टाइल अच्छा है? ओके तो नईम क्या फरियाल था शुक्र आपने एचएस भाई नहीं कहा नहीं नहीं मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हेल्प ले लो भाई की शी वेरी ग्रेसफुल सेकंड लास्ट आंटी फ्रॉम राइट लड़कियों ने छुपना क्यों शुरू कर दिया एकदम से नहीं घूर नहीं यार तो मेकअप अभी घूर क्यों रहे उनको यार डर रही बच्ची इनको तो तैयार किया हमने तैयार किया ये हो चुके हैं इनको तो तैयार किया नहीं नहीं वो हमारे कैमरामैन नहीं नहीं मैं बताऊं मैं बताऊं नहीं 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 बताएगा ना भाई लड़कों से पूछना है लड़कों का आपका तो नहीं हुआ थिंकिंग आप आ जाए आ जाए भाई बहुत सारी तालियां बेटर तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्टाइलिश इनमें ये हैं स्टाइलिश नहीं ये है कि ओवरडू ओवरडू नहीं है नेचुरल है न्यूट्रल है जो ज्यादा ओवरडू होता है वो ज्यादा दूर से एक्स्ट्रा नजर आता है तो एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए एवरेज नॉर्मल ज्यादा बेहतर होता है सही क्या नाम है आपका उजाला उजाला तुम गाना भी गाती हो मैंने ब्रेक में सुना था तुम गा रही थी तो मेरे को गाना ये उजाला और मैं अंधेरा चलो अंधेरा उजाले से दूर रहना चाहिए वैसे फैशन में न्यूट्रल ज्यादा चलता है बहुत हिट है भाई न्यूट्रल होना चाहिए फैशन में न्यूट्रल न्यू फैशन में सही किया वैसे फैशन की बात मेरी भी नजर इधर ही पड़ी थी सबसे पहले फैशन में चलते ही न्यूट्रल है भाई वाह लिख के भी लाई है भाई घर से तैयारी करके आई है हो रही है स्टाइल पे ब्रांड्स पे कपड़ों पे मेकअप पे बालों पे अब हम कुछ आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने 1 से 10 तक नंबर देना रैंक करना है उन लोगों को हाँ सब करेंगे हर एक पे हाँ ओके ठीक है ओके ईमानदारी से ठीक है शुरू करें पहली तस्वीर दिखाएंगे शर्मिला फारूकी शर्मिला डबल वन जीरो वन जीरो बॉस जीरो या जीरो जीरो फ्रेंड
अगर स्टाइल स्टाइल पे कर रहे हैं इस तस्वीर पे नहीं उनके स्टाइल पे आई थिंक शी इज अ वेरी स्टाइलिश वुमन जनरली आई थिंक शी इज वन ऑफ आवर बेटर ड्रेस पॉलिटिशियंस आई वुड से एस कंपेयर टू अदर पॉलिटिशियंस नंबर जल्दी हां आई विल गिव हर अ 6 टू अ 7 एन 8 ऑन हर गुड डेज मतलब स्टाइलिश तो वो हैं वो एक अलग बात है 6 8 7 इस तस्वीर पे 7.5 नहीं तस्वीर नहीं पर्सनालिटी ओवरऑल पर्सनालिटी 7 7 तो तय ये पाया कि 7 बिलो एवरेज 6.5 साढ़े जिना हमारी ना आपकी बिल्कुल पठान भाई लगे उस तक तुम अपने बैच के बाजी ले जाओ हां जी नेक्स्ट अच्छा हमारी लड़कों की रेटिंग तो डिपेंड कर रही 4 2 2 आई एग्री विद 3 4 3 2 माइनस 3 मेरी मर्जी भाई अभी उनके उसमें चले जी 3 हुआ ना चले जी 3 नेक्स्ट ये कौन है अलग आ रहे ये कौन है नहीं 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 इनको देखा हुआ हमने मुशर्रफ दौर में इनको हम 7.5 देते हैं 11 और 10 आउट ऑफ 11 7 एंड हाफ बहुत पिटोगे नहीं अच्छा यार मैं मैक्सिमम देना चाह रहा हूं समझो 8 कितना दे जितना नहीं भी पॉसिबल एक्स्ट्रा दे दूंगा कैरीज योर सेल्फ वेल 7 10 अल्लाह 11 एक्चुअली 11 सबसे लग जाएगा कि ये नॉर्मल आदमी सबसे पहले पाकिस्तान मेरा ख्याल है 7 सही है है ना ठीक है जी नेक्स्ट सना ने कहा है 4 चलो ठीक है नो 10 5 ये तुम गाती भी हो क्या 10 फिर क्यों जगह हां जी बस है ना 9 नहीं यार मेरे ख्याल है कि 10 आउट ऑफ 10 आजकल इनका स्टाइल कुछ टाइप का बहुत इट्स अ बिट यू नो मेरे हिसाब से बहुत मैं सिंपलेस्ट सिंपल उसमें बिलीव करती हूँ बहुत टू मच ऑफ पर्सनली भी जानता हूँ और लाला को भी जानता हूँ इरफान भाई को तो इनके घर पे जब जाएं तो इस तरह नहीं होता लेकिन जो पर्सोना है जो उसके हिसाब से सही रहता है जैसे ये अक्सर होता है जो शोज इनके होते हैं जब ये कैरी करते हैं अगर और सिंगर होती तो वो डिफरेंट नजर आती हैं चाहे वो गाउन पहने वो कुछ भी पहने वो बहुत अलग होता है चले जी फिर ठीक है इनके लिए तो कोई आई डोंट थिंक इनको ये तो आज भी हमारे से ज्यादा मतलब जितनी लड़कियां उनसे ज्यादा बेस्ट नजर आ रही होती हैं इनके ग्रेस के इनको 10 मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 मेंटेन सीरियस हुए मेंटेन रखे ग्रेसफुल यार सही नेक्स्ट 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 10 सीनियर हैं हम रिस्पेक्ट देंगे हां नहीं मेरी भी औकात नहीं कि मैं भी कहती कि हम इनको रेट नहीं कर सकते आप के लिए हां जी नेक्स्ट कुछ ना को five I like this up five हाँ I think six four five hey 12 रे क्या कहाँ अपने आपको बचा रहे हैं जानवर किससे बचा रहे हैं बचा नहीं रहा बना रहा हूँ बना रहा है गेम बना रहा है साढ़े छः five और six के दरमियान चलें ठीक है जी नेक्स्ट दिखाएं मायरा खान ना इसको कैरी बहुत अच्छा करना आता है eight तक है अच्छा कैरी करती है 7.8 के बीच में है 6.5 क्योंकि वो मॉडल नहीं है बट शी इज वेरी गुड 7 लेकिन अच्छा करती है वेरी गुड 6.5 तो 7 तक 7 हां आप जिद कर रही हैं तो चले वरना हम तो 6.5 नेक्स्ट अच्छा ये नारा बानी इनके पर्स ये लड़का यार बड़ा स्टाइलो है इनके बैगों में दे देते हैं इन पे इनके पर्स को 15 दे सकते हैं हम और वैसे इनको हम 5 देंगे पिक्चर मैं वैसे पर्सनली मैंने इनको नहीं कभी नहीं, इतना देखा है पर आपने बैगों को देखा होगा ना और पर्ल्स और वो है आई थिंक 8ish
पर्सनल में वो भी आई थिंक शी कैरीड हरसेल्फ वेरी वेल थ्रू आउट हर टेन्योर वो एक अलग बात है पे दुपट्टा भी है वो अलग बात है कि सारा फोकस स्टाइल पे ही था 7 5 5 7 ठीक है फिर 7 ठीक है चलिए नेक्स्ट दिखाइए -10 3 0 0 I will join the 3 bandwagon. चले जी 3 कर देते हैं आगे बढ़े दो नहीं कर सकते थे इसलिए आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े स्पीड टेलीविजन पे अलाउ नहीं होना चाहिए जब आप ऐसे लोगों को अलाउ करते हो तो इनके पीछे फिर वो एक जनरेशन पूरी आइकॉन बनाकर फॉलो अप करती है अल्लाह माफ करे मैंने तो यहाँ तक सुना कि अगर आपको आंगन टेढ़ा वाले सलीम नासर का कैरेक्टर याद है तो किसी ने जज्बात में ये भी लिख दिया कि मुबारक हो पाकिस्तान में दोबारा सलीम नासर जानी ये तो असल में ही ऐसा है सलीम नासर तो एक्ट करता था आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग आई थिंक यू शुड लेट एवरीबॉडी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हम लोग नहीं है देयर इज अनदर जेंडर व्हिच एग्जिस्ट्स एंड आई थिंक सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए भाई ये नॉर्मल है क्या हो गया वो नहीं है पागल नहीं वो नहीं है हम स्टाइल की हम सिर्फ इनके कैरेक्टर की स्टाइल की बात करें तो आई विल स्टिल एग्री कि आर्ट नहीं नहीं पौने आठ जो भी होगा पौने लगा दें उससे पहले जो भी पौने सात पौने छह पौने लो एवरेज 50-50 यस 50-50 अच्छा अगर सर पौने हाँ अच्छा मैं कहूंगी फंस गया फंस गया फंस गया जो भी नंबर है पौने खुद ही लग जाएगा मैं यही कहूंगी अगर वो फीमेल आए भाई है ना भाई इनका जवाब सुन ले जरा सुन ले अगर वो बंदियों में आते तो हम शायद उनको 10 दे देते हां लेकिन वो कहीं समझ में नहीं आ रहे तो ये फैसला आप लोग खुद कर लीजिए ओ भाई बात सुनो अगर बंदियों में आ रहे तो हम लोग कुछ भी इनको रेट नहीं करना चाहिए अगर बंदियों में आ रहा होता तो हम 12 दे देते हां और अगर बंदियों में आ रहा आगे बढ़े कुछ भी फिर भी दे देते अगले पे जाएंगे भाई ये तो बहस खत्म होने वाली ही नेक्स्ट चलो स्टाइल मैं तेरा माइनस मतीरा माइनस 10 माइनस माइनस 5 5 आई डोंट इवन थिंक शी इज वर्थ रेटिंग कुछ कमेंट्स नहीं दूंगी क्योंकि हर शो में बैठी भी होती है तुम्हें बिठाए नहीं तो जैसे भी अच्छी खत्म बात नहीं नंबर तो दे दो ना नंबर क्यों दूं मैं 2 2 नंबर दो 7 7 तुम 10 दे दो ना भाई क्या करें फिर आगे 5 नेक्स्ट ये तो वीना मलिक अच्छा नहीं मेरा 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 4 5 4 5 3 3 2 ओ 3 माइनस 3 3 अच्छा ये जिनको सबको माइनस दे रहे हैं सर आप इनकी रेटिंग करते हैं हम ठीक है जी चले गलत इल्जाम है यार ऑनर 1 टू 10 रैंक करें जी चले जी आप बीच में आ जाएं आपकी रेटिंग छोटी सी ब्रेक लेते हैं देखते रहिए सतरंगी क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी आपको सब रेट मैं खड़ा हो जाता हूँ ये लीजिए प्लीज प्लीज एक गोरा चिट्टा सुनहरा टाइप आदमी आपको इस तरह देखे तो आप मशहूर से हो जाते हैं बीच में खड़ा करने के कुछ तो असरात होंगे ना अच्छा जी आज हमने बात की स्टाइलिंग पे ब्रांडेड चीजों पे आपकी पर्सनालिटी पे लाइफस्टाइल पे और मैं सिर्फ यही कहूंगी इस बारे में कि आपको
हर वो कपड़ा, हर वो जूता, हर वो इस्तेमाल की चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आप पे सूट करती है, बजाय इसके कि कोई आप फैशन कर रहे हैं या कोई ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं और आप पे सूट नहीं कर रही या आपके बजट से आउट है, तो उससे बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी चीज़ लें जो आपके बजट में भी आए और आप पे सूट भी करे। तो इंसान की पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ कैरी कर सके, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, आप पे एक सादा सिंपल सूट भी अच्छा लग सकता है, जैसे हमने ऑडियंस में से उनको उठाया था और वो बिल्कुल सादी सिंपल बैठी हैं, खाली कानों में एक वाइट पर्ल के उन्होंने टॉप्स पहने हुए हैं और चूड़ीदार पजामा और हाँ कितना अच्छा ड्रेस, लेकिन ग्रेस है। तो जी बहुत सारा कुछ लादने से W11 बनने से कुछ नहीं होता। आप ट्रक एक चला नहीं कौन सा शेजोर ट्रक तैयार हो के चला जा रहा था, चला जा रहा था। मैसेज होना चाहिए कि यहाँ पे यही मैसेज होना सब चाहिए सबके लिए कि कॉन्शियस प्लीज कभी मत हो, हम लोगों को देखकर भी मत हो, पर जो हम तो मांगे के कपड़े बहनते हैं भाई, वापस चले जाते हैं, ये तो मांगे के कपड़े हैं वापस चले जाएंगे। आई लाइक टू ऐड समथिंग अगर टाइम है तो। हाँ हाँ प्लीज। जो भी लोग हैं जो ब्रांड्स चाहे अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, और अगर सिंपल जो नॉर्मल मॉल्स हैं लाइक गल्फ एंड ऑल, वहाँ से अगर शॉपिंग करते हैं, यू गाइज आर द बेस्ट, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, हमारी मुल्क की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। जब आप लोग महंगे ब्रांड्स पर खर्च करते हैं, वो ब्रांड्स का जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और उनके मुल्क वाले जो हैं वो फिर दूसरे मुल्क पे वॉर्स करते हैं, उनको ये स्पॉन्सर्स करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं ये लोग। सो ये बहुत गहरी और काफ़ी यू नो डिटेल्ड वो है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पैसा किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल ना हो। तो अगर यू नो लाइक आई वुड सजेस्ट कि एक नेशन के लिए एथनोसेंट्रिज्म होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया आई लाइक इट और नॉट, पर उन लोगों को सैल्यूट है क्योंकि वो अपने मुल्क का जो काम है वो प्रमोट करते हैं, और बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो वहाँ इंडिया के मेड इन इंडिया कपड़े पहनते हैं, फखर करते हैं। सो हमें भी यू नो बुराई ना सीखें, आइटम नंबर्स में तो हम आगे चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर घर में जो है वो आइटम नंबर्स चल रहे होते हैं, सीखना है तो आप ये उनसे अच्छी चीज़ सीखें। एंड आई थिंक यू गाइज जो भी आप लोगों ने कपड़े पहने, आप लोग हैं जिनके वजह से हमारी मुल्क की इकोनॉमी चल रही है, सो यू गाइज आर अमेजिंग, मतलब हम भी इन्हीं को देखते हैं। ब्रांड्स के लिए इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा फोकस आप अपने ऊपर करें, अच्छी चीज़ें खाएं, अपना ख्याल रखें, जिम जाएं, अपनी शक्ल अच्छी होगी तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, अपने आप को ग्रूम करें, और आसपास जो लोग हैं, हर इंसान में अल्लाह ताला ने एक अच्छी क्वालिटी दे रखी है, आप कोशिश करें कि हर इंसान से अच्छी क्वालिटी लें और अपने अंदर डाल लें और अपने आप को ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाएं। इतने अच्छे बड़े बड़े लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही, सही। और तो किसी को कुछ कहना है आप लोगों में से, किसी को कुछ कहना है? बस ये कहना है प्लीज कॉन्शियस नहीं होने का, कोई भी हम लोग कोई भी बात करें, अगर हम भी कभी हो जाते हैं कॉन्शियस। आपको कभी आइटम नंबर ऑफर हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था भाई। देखिए अब आपने कॉन्शियस कर दिया तो हो जाएगा, अगर चले अभी कर देते हैं हम, आइटम नंबर गाएंगे ये और करेंगे आप। और जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नईम, बहुत शुक्रिया आपका 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 इतनी सारी चीजें शेयर की हमारे साथ बैठकर, और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। और जाते जाते गाना जी, चलो जाए ना जाए।